नहीं, मतलब ये 45 बराबर पड़ेगा और मेन स्केल 0 होगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब ठीक ठाक है। चलिए आज शुरू करते हैं एक प्रैक्टिकल क्लास टू डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए थिन वायर यूजिंग स्क्रू गेज। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बहुत ही मतलब ये है वायर, ठीक है, इसका डायमीटर हम मेज़र करेंगे। सही से देख नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसका हम डायमीटर, मतलब डायमीटर कौन सा है, ये मान, ये है एक वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका डायमीटर मतलब ये इसका ये वाला डायमीटर, ये हम मेज़र करेंगे स्क्रू गेज से। ये बंगाली मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए और इंग्लिश मीडियम मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं और जो क्लास 11th में उस बंगाल बोर्ड, लिखना तरीका सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग होगा, ये इंग्लिश में है और वहाँ बंगाली में होगा। मैं दोनों बता दूंगा एक साथ ही। जिस चीज़ को ध्यान देना है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, मतलब हाउ टू मेज़र इट, हाउ टू मेज़र यूजिंग इट, इसको ध्यान देना, ठीक है। रीडिंग यहाँ मैं 2-3-4 ले लेंगे, दिखाएंगे। पहले देखिए, ये LNB लेबोरेटरी नोटबुक ख़रीदना है, ठीक है, फ्रंट पेज में शो नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे नाम लिखा हुआ, तो इस तरह ख़रीदना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये 80 पेज है, 112 पेज है, 160 पेज है, 112 पेज ख़रीद लेना, ये सही रहेगा, ठीक है, इसे कम नहीं होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पेज बच जाएगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 112 पेज ख़रीद लेना, वहाँ फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो सकता, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नोटबुक कहने से दुकानदार दे देगा, ठीक है। और देखिए इसका फर्स्ट पेज में एकदम बिगिनिंग में यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ, ठीक है, किस डेट में ये एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ डालना होगा, और ये सीरियल नंबर मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा क्या यहाँ डालना है, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ, सीरियल डेट लिखा हुआ, डेट कौन सा डेट में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, जिस एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट किया गया उसको एक नंबर दे दिया, और सेकेंड बार दूसरा किया गया तो 2 नंबर, और ये क्या है एक्सपेरिमेंट नंबर, जो वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ वहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके एक्सपेरिमेंट का नंबर दिया हुआ, वहाँ ये लिख देना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मुझे पहला ही करना है या पहला ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। जिस एक्सपेरिमेंट को लैब में फर्स्ट किया जाएगा उसी को सीरियल नंबर 1, ठीक है, उसी को हम देंगे सीरियल नंबर 1। उसका एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ 1 हो सकता, 2 हो सकता, 10 हो सकता, 5 हो सकता, कोई भी हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंट मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे यहाँ टू डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए थिन वायर यूजिंग स्क्रू गेज। ये छोटा सा घर है, ठीक है, यहाँ अगर नहीं होगा तो छोटा जिस्ट लिख देना, और यहाँ लिखना कि यहाँ लिखना क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर यूजिंग स्क्रू गेज, मेजरिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया यूजिंग स्क्रू गेज, ऐसे लिख देना, ठीक है। और पेज नंबर यहाँ डाल सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर टीचर सिग्नेचर कर सकते हैं तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिमार्क दे सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये चीज़ करना है, ठीक है, और यहाँ बंगाली में लिखा हुआ, जो बंगाली में करेंगे यहाँ पे बंगाली में सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है, नंबर एक्सपेरिमेंट सेम है, इसमें यहाँ पे डेट भी डालना होगा, सीरियल नंबर भी एक ही होगा, ठीक है, सेम होगा, और एक्सपेरिमेंट नंबर ऐसी जैसे वहाँ किताब में और सिलेबस में दिया हुआ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, देख ही रहे बंगाली में लिखा हुआ, ये 12th का है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, देखिए एक पेज है, ठीक है, तो मैंने लास्ट में दिखा देता हूँ। लो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, तो ये एक लाइन वाला पेज है और ये वाइट पेज है टोटली। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ, टॉपिक लिखा हुआ, इस जगह ये लिख सकते हैं टू डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए थिन वायर यूजिंग द स्क्रू गेज, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ ऑब्जेक्ट लिख के
यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है, एक पॉइंट कर दिया, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी। उसके बाद जो यहाँ वाइट वाला फेस है ना, अगर मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में कोई पिक्चर ड्रॉ करना है और सर्किट है, तो वो सर्किट यहाँ ड्रॉ करना, ठीक है, सर्किट को यहाँ फर्स्ट में एकदम। मान लीजिए यह कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ एक सर्किट का ज़रूरत है, तो ये सर्किट यहाँ होगा, ठीक है। ये था कैसे लिखना है। और जब कोई टेबल बनाना है, जैसे मान ले ये टेबल है, ये टेबल मैंने बनाया, ठीक है, ब्लैंक है, इसमें हम कर लेंगे, तो ऐसा हुआ 10 रीडिंग लेना है या 7-8 रीडिंग लेना है, यहाँ कितना है, 5 है, तो हम इसे सोचते यहाँ 5 हुआ, फिर यहाँ 4 रीडिंग ले लेंगे इस पेज में, ऐसा नहीं करना। टेबल को हमेशा एक ही पेज में रखना, मतलब एक टेबल एक पेज में होगा। टेबल ए है, मान लीजिए यहाँ पे 6 रीडिंग लेना है, यहाँ 8 रीडिंग लेना है, यहाँ 5-6 तक होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, यह पूरा ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ ड्रॉ करना टेबल, क्योंकि सारे रीडिंग यहाँ होना चाहिए एक ही पेज में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, फिर पहले लिखने का तरीका बता देते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट लिखा क्या, ऑब्जेक्ट लिखा मैंने फर्स्ट, ठीक है, टॉपिक की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद थ्योरी, थ्योरी में क्या लिखा था, द स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एक्यूरेटली ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए थिन वायर और थिकनेस ऑफ ए सीट ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ ए सीट ऑफ ए मेटल, मेटल सीट के थिकनेस मतलब कितना पतला है ये मापना है। इट हैज़ टू स्केल, दो स्केल है, एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है, बाद में दिखाएंगे। उसके बाद इसके रिलेटेड कोई भी अगर डेफिनेशन होगा, ठीक है, तो वो लिखना है। जैसे पिच, यहाँ एक चीज़ है पिच है, लिस्ट काउंट है, यहाँ लिखा मैंने। फार्मूला यूज्ड, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ देखिए, यहाँ टॉपिक पॉइंट है कि अब पहला ऑब्जेक्ट है, उसके बाद थ्योरी, दो नंबर पॉइंट है। ये थ्योरी में सब पॉइंट है ये पिच और लिस्ट काउंट, थ्योरी फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, इसका सब पॉइंट क्या होगा, पिच, लिस्ट काउंट, फार्मूला यूज्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने लिखने भूल गया था, इसलिए ये एकदम ऊपर लिख दिया, ये यहाँ लिखना, ठीक है, क्या अपरेटस यूज, अपरेटस और मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मतलब कौन सा अपरेटस चाहिए, वो लिखना है यहाँ। और जो बंगाली मीडियम में है, ठीक है, 11th में, मैं उसके लिए दे दूँगा किताब का एक फ़ोटो, ठीक है, तो वो देख लेना, पता चल जाएगा, वहाँ भी ऐसे लिखा हुआ सेम तरीका। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या, पहले इसका कुछ लिख लिया, पिच क्या है, लिस्ट काउंट कौन सा है, ये सब लिख लिया। उसके बाद टेबल होगा, मतलब रीडिंग जो लेंगे वो यहाँ नोट करेंगे। उसके बाद देखिए, इसका टेबल जब ले लिया, इसका कैलकुलेशन होगा, ये कैलकुलेशन को इधर वाइट पेज में करना, वाइट पेज में कैसे, पेंसिल से करना होगा, पेंसिल से, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे स्टेप दिखाना है, मतलब जैसे ऐड, समेशन और करना है, मल्टीप्लिकेशन सब यहाँ दिखाना होगा, ठीक है, क्लास 1, 2, 3, 4 का स्टूडेंट की तरह। तो यहाँ का जो टेबल का जो कैलकुलेशन होगा, जैसे मान लीजिए एवरेज डायमीटर, एवरेज करेंगे तो सब लिखेंगे ऐड करके, उसके बाद 5 या 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे जो डिटरमाइंट, ये वाला पॉइंट, इसको भी यहाँ लिखना है, कैलकुलेशन कैसे, पेंसिल से लिखना है, पेंसिल से हो गया। इसके बाद टेबल कंप्लीट हो गया, यहाँ कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ लिख देना रिजल्ट, मतलब क्या रिजल्ट निकल के आया, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए गिवन वायर इज, जितना आया उतना लिख देंगे। उसके बाद प्रिकॉशन लिखेंगे, प्रिकॉशन मतलब क्या है, कौन सा सावधानी बरकरार रखना पड़ेगा हमको, मतलब क्या क्या सावधानी लेना पड़ेगा। जैसे मैं स्क्रू शुड नॉट बी प्रेस्ड हार्ड, बाद में बताऊंगा, इसे एक्सप्लेन करूंगा, और ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी अगर सावधानी लेना है तो यहाँ लिखना है, बस कंप्लीट हो गया एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब देखते हैं ये स्क्रू गेज कैसे मेज़र करते हैं, क्या क्या चीज़ है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसका सैम्पल दे दूंगा, ठीक है, कैसे लिखा मैंने ये सारे दे दूंगा, ये वाला, तो तुम लोग ये अभी फ़िलहाल ये कॉपी खरीद के रखना, और यहाँ नहीं लिखना, एक कॉपी में, मतलब वाइट कॉपी जैसे होता है रफ पेज, ऐसे लिख लिख रखना,
बाद में जब टीचर स्कूल में जाकर बताएंगे तब लिख लेना, ठीक है। यह है स्क्रू गेज, ठीक है। यहाँ का दो स्केल है, देखो ये वाला घुमाने से खुल जाता है, बाद में जूम करके दिखाऊंगा। तो ये घुमाने वाला स्केल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 0 से लेकर 50 तक, किसी स्केल में 100 तक लिखा हुआ था, लिखा रहता है। तो ये हो गया सर्कुलर स्केल। और यहाँ जो है मेन स्केल, देखिए यहाँ ये वाला मेन स्केल, मान लो ये मेन स्केल। यहाँ का पॉइंट कितना रहता है, ये है 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर में नोट करते हैं, तो 5 मिलीमीटर हो गया। यहाँ एक रहता है, यहाँ 1, 2, 3 नहीं लिखा रहता है, एक बार एकदम 5 मिलीमीटर यहाँ लिखा रहता है, अभी दिखा रहा हूँ। तो अगर और एक स्केल रहता है यहाँ पे सर्कुलर स्केल, वो ऐसे जो घुमाने वाला स्केल है, ठीक है। यहाँ 0 से लेकर किसी स्केल में 50 तक और 100 तक भी रह सकता है। अगर 50 तक है, 0 से लेकर 50 तक, तो यहाँ भी और एक सब पॉइंट होगा, मतलब ये क्या होगा, ये अगर 1 मिलीमीटर है तो ये क्या होगा 0.5 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर है ये क्या होगा 1.5 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर है तो ये कितना होगा 2.5, मतलब इसका बीच में, मतलब 1 और 0 के बीच में और एक होगा, मतलब 0.5। लिस्ट काउंट कितना होगा इसका 0.5। तो लिस्ट काउंट क्या है, मान लो एक सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर, इसका बीच में कितना रहता है, 10 डिवीज़न रहता है, ठीक है, 10 डिवीज़न। तो इसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना है, ये 1 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्केल जो हम लोग यूज़ करते हैं स्केल बॉक्स में रहता है, और कोई मीटर स्केल में, तो यहाँ का लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा कितना माप सकते हैं हम लोग, तो ये क्या आ गया 1 मिलीमीटर, सबसे छोटा मेजर, तो यहाँ हम 1 मिलीमीटर कर सकते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा 1 मिलीमीटर। अगर इससे कम होगा, मतलब 1 मिलीमीटर से कम होगा, तो हम मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, ठीक है। फिर इसका भी लिस्ट काउंट निकालना है सर्कुलर स्केल का, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा। अगर मान लीजिए किसी का रीडिंग ऐसे आ गया, तो इसका रीडिंग कितना होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, तो 7 और 8 के बीच में आ गया, लेकिन ये ना 7 है ना 8 है, इसका बीच में है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका रीडिंग 7 लिखेंगे और इसको छोड़ देना होगा, क्योंकि इसको बता नहीं सकते हम कितना है। तो इसको मेज़र करने के लिए ये स्केल स्क्रू गेज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या है, सबसे छोटा डिवीज़न है स्केल का, तो सबसे कम कितना हम मेज़र कर सकते हैं, वही है लिस्ट काउंट। तो क्या बताया, जो एक तो है एक मेन स्केल बताया, यार ये क्या सर्कुलर स्केल, और इसका रीडिंग को कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ क्या रहता है, मिलीमीटर इसका स्केल रहता है, और यह क्या 0 से 50 तक और 100 तक, मेरे पास दोनों ही है दिखाऊंगा, मतलब सर्कुलर स्केल है। अगर 100 तक है डिवीज़न सर्कुलर स्केल का, ऐसे डिवीज़न का 100 तक है, तो क्या होगा, ये 0.5 का एक डिवीज़न नहीं रहेगा। अगर 50 तक है तो 0.5 रहेगा, 50 तक नहीं है तो सिर्फ 0, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए देख लेते हैं स्केल को पहले। देखो मेरे पास दो स्केल है, ठीक है, स्क्रू गेज है, ये वाला दिख रहा है, रीडिंग दिख रहा है, ठीक है। ये खोलने से देखो, ये घूमने वाला स्केल है, इसके कहते हैं सर्कुलर स्केल, दिख रहा है मेन स्केल, ये वाला है मेन स्केल, ठीक है। ये कितना तक है देखो, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, यहाँ 5 लिखा हुआ, ठीक है 5, ये है मेन स्केल रीडिंग। और ये है सर्कुलर स्केल, देखो यहाँ कितना है 90 है, ये 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 90 के बाद फिर 0, मतलब क्या होगा, ये 90 से लेकर 0 तक 10 है, तो 100,
तो ये क्या है, 100 वाला है। सर्कुलर स्केल का टोटल डिवीजन कितना है, 100 है। 100 है इसलिए देखो, ये देखो 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब 0.5 वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ठीक सिमिलरली ये वाला स्केल देखो, ये क्या है, 0, 1, 2, 3, ऊपर वाला क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे देखो और एक ये है, मतलब 0 और 1 के बीच में और एक भी है 0.5, मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.5, मतलब मेन स्केल का, टोटल स्केल का नहीं, टोटल स्केल का लिस्ट काउंट और भी कम होगा, तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा 0.5, उधर क्या 1 है, उसके बाद फिर 1.5, ये कितना है 2 है, 2.5 है, और यहाँ देखो कितना है, ये 0 है, 5, 10, 15, 5-5 करके जाता है, तो 40 हो गया, 45 हो गया, 45 और 5 50, तो ये 50 वाला है, इसलिए क्या हुआ, 0 और 1 के बीच में और एक है पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, सर्कुलर स्केल, ये वाला सर्कुलर स्केल और ये वाला मेन स्केल, हम रीडिंग लेंगे यहाँ से, कोई चीज़ का अगर रीडिंग लेते हैं तो कैसे क्या, ये ऐसे इसका लेंगे तो इसको हम टाइट करेंगे, घुमाने से टाइट हो जाएगा, टाइट हो गया। देखिए यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना, इसका ये घुमाने से आवाज़ निकलता है, सुन रहा है, ये आवाज़ सिर्फ 2-3 आवाज़ होगा तब छोड़ देना, इसको ज़्यादा टाइट मत करना, ठीक है। तो इसको सिर्फ 2 शब्द निकालना है मैक्सिमम, 1 अगर होगा तो अच्छा है, ज़्यादा टाइट करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी दिखा रहा हूँ। जब भी हमें रीडिंग लेना है इससे, जब यूज़ करूँगा, पहले हमको चेक कर लेना है इसका लिस्ट काउंट क्या है, इसका एरर है या नहीं है, ठीक है। तो एरर कैसे चेक करेंगे, देखो इसका 0 है, ये वाला 0 पॉइंट है, अगर ऐसे मैंने टाइट कर दिया, बाद में दिखाऊंगा ये सही सारी चीज़, तो इसका 0 मतलब सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर एक ही जगह रहते हैं तो इसका एरर 0 है, तो एरर का भी छोड़ो, बाद में देखेंगे। फिर लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, लिस्ट काउंट, तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, 0.5 मिलीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला चीज़ को, सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा घुमाएंगे, तो एक बार घुमाने से, जैसे इसका एक बार घुमाने से कितना आएगा, देखो ये कितना है, 50 डिवीजन है, तो अगर इसको एक बार टोटली घुमाऊँगा तो 0.5 मिलीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब लीनियर स्केल बराबर ये 0.5 मिलीमीटर जाएगा, तो एक बार घुमाने से 0.5 मिलीमीटर जाता है क्या, सर्कुलर स्केल। और इसका डिवीजन कितना है, 50 डिवीजन, तब 50 का वैल्यू कितना हुआ, 50 डिवीजन का वैल्यू आया कितना, 0.5 मिलीमीटर, तो 1 डिवीजन का कितना होगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 कितना होगा, 0.01 मिलीमीटर, मतलब 0.01 मिलीमीटर, मतलब क्या है, ये जो 0 से 5, 5 से 10, 15 ये जो सर्कुलर स्केल का है, इसका एक एक घर का वैल्यू कितना है, 0.1 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, इसे कहलाता है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, मतलब इतना छोटा मेजर हम कर सकते हैं इसके द्वारा। चलो सही से देख लेते हैं, देखो ये एक स्क्रू गेज है, ठीक है, देखो ये सर्कुलर स्केल घूम रहा है, सर्कुलर स्केल घूमने से मेन स्केल दिखाई दे रहा है 0, देखो पहले इसका देख लेना कितना है, 0 से और ये 45, मतलब 50 डिवीजन है, इसलिए क्या 0 और 1 के बीच में और 0.5 है, तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, जो एकदम 0-0 कंडीशन में ये हो गया 0-0, देखो यहाँ एकदम फिल अप हो गया, तो ये वाला 0 और ये मेन स्केल का 0 एकदम अटैच्ड है, ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, मतलब सॉरी एरर कितना होगा, 0। अगर ऐसा नहीं होता तो एरर क्या होगा, ये बाद में हम दिखाएंगे लास्ट में रीडिंग लेने के बाद। उसके बाद देखिए इसको मैंने टोटली 1 राउंड घुमाएंगे, जैसे 0 से लेकर 5, 10, 15, 20, 30, 40,
45, फिर 0 आ गया। कितना खोला? 0.5 खोला। तो 50 घर जाने से सर्कुलर स्केल का 50 घर इक्वल टू मेन स्केल का 0.5, मतलब इसका स्क्रू पिच कितना होगा? स्क्रू पिच मतलब पिच मतलब क्या है, एक बार घूमने से इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब मेन स्केल का रीडिंग कितना होगा, वो हो गया स्क्रू पिच। पिच का मतलब एक कितना हुआ 0.5, और डिवीशन कितना है 50, तो लीस्ट काउंट कितना होगा 0.5 डिवाइड बाई 50। ठीक है, देखो देखो यहाँ 0 0 है, मेन स्केल का 0 मतलब ये वाला जो ये है मेन स्केल का जो मेन लाइन है, ठीक है ये मेन लाइन देखना, ठीक है ये वाला और 0 0 ये 0 मेन स्केल का मेन लाइन और 0 सर्कुलर स्केल का 0 एकदम कोइंसाइड कर गया, एक लाइन में है, तो इसका एरर कितना होगा 0 होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पिच को हम निकाल लेंगे। पिच क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रिवोल्यूशन, मतलब इसको एक बार घुमाने से जितना होगा मतलब डिस्टेंस मूव करेगा, और क्या कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द रिवोल्यूशन, ड्यू टू वन रिवोल्यूशन, मतलब इसको एक बार घुमाने से मेन स्केल का मतलब ये रीडिंग कितना होगा, मतलब कितना ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा एक बार घुमाने से, यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेन स्केल क्या शो करेगा, इसको एक बार घुमाने से कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले इसका स्क्रू पिच कितना है। देखो एकदम 0 0 पे है, ठीक है मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 एकदम कॉन्सेट कर गया, तो इसका एरर कितना होगा, एरर 0 होगा। इसके बाद फिर क्या, इसको एक बार घुमाएंगे, देखिए 0 5 10 15 20 30 और 40 45 0। देखो यहाँ 0.5 का जो पॉइंटिंग है वो दिख रहा है, सही से देखो। देखो टोटल रिवोल्यूशन में ये 0.5 हुआ, अगर इसको दिख नहीं रहा है सही से तो थोड़ा और घुमा लेना, ठीक है इधर को, यह दाग दिख रहा है, ये वाला है क्या 0.5 है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.5, और टोटल डिवीजन कितना है 45, तो स्क्रू पीस कितना होगा, देखो पीस इक्वल टू कितना हुआ 0.5, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0.5 है, नंबर ऑफ डिविशन ऑन द सर्कुलर स्केल कितना है 50 है, तो लिस्ट काउंट कितना होगा पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविशन, मतलब 0.5 डिवाइड बाय 0.05, तो 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ये हो गया क्या लिस्ट काउंट, और एरर 0। ठीक है, दूसरा स्केल से देख लेते हैं इसका लिस्ट काउंट कितना है, कैसे निकालना है। देखो इसका देखो डिवीजन कितना है, ये 90 है, ये 0 है, मतलब ये किसका कितना होगा 100, इसका नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100, और देखिए ये 0 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ, ठीक है दिख रहा है 5 तक, मतलब मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर, मेन स्केल का लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, और देखिए ये भी 0 0 से मैच कर गया, तो इसका भी एरर 0 होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक बार घुमाते हैं, टोटली घुमा लेते हैं 50 60 70 80 90, ये हो गया, तो क्या दिख रहा है एक दाग दिख रहा है, ठीक है ये वाला एकदम करीबी से देखना, थोड़ा सा और घुमा देते तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है तो 1 मिलीमीटर। तो इसको मतलब सर्कुलर स्केल को एक बार घुमाने से मेन स्केल का रीडिंग कितना शो करता है 1 मिलीमीटर, मतलब इसका पिच कितना है, मतलब पिच मतलब क्या है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 100 डिस्प्लेसमेंट डिवीशन एंगुलरली जाता है तो मेन स्केल में 1 मिलीमीटर शो करता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मिलीमीटर, और इसका टोटल डिवीजन कितना है 100, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, तो पहले पिच ले लेंगे, इसका पिच कितना होगा, ये वाला सेकेंड वाला स्केल का पिच होगा, तो पिच कितना हुआ
पीस 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन कितना हुआ? 100। लिस्ट काउंट कितना होगा? लिस्ट काउंट पिच डिवाइड बाय पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, तो कितना हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 100 मिलीमीटर, दैट्स इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर डिस्काउंट, और क्या लिख सकते हैं? 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका भी लिस्ट काउंट कितना हुआ? 0.001 सेंटीमीटर। दोनों का लिस्ट काउंट सेम है, दोनों का एरर जीरो है। और एरर अगर होता तो क्या करते, कौन सा एरर कैसे होता है वो बाद में दिखाएंगे। चलिए अब रीडिंग लेते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं हम शो करेंगे, दिखाएंगे। तो इसका रीडिंग कैसे लेते हैं? देखिए, रीडिंग होता है ऐसा, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमें पता चल गया, लिस्ट काउंट कितना था? लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। हम जो स्क्रू गेज यूज़ कर रहा हूँ उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर। तो ये क्या है? 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5। मान लो एक पोजीशन ऐसा आया इस तरह, ये 0 से 100 तक डिवीजन है, यह मान लेते। तो देखिए ये क्या हुआ, कितना दिख रहा है? 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर। हमें सिर्फ 1 मिलीमीटर दिख रहा है, मतलब सर्कुलर स्केल 1 मिलीमीटर को क्रॉस कर गया। तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर, 1। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ कौन सा ये है, सर्कुलर स्केल का कौन सा वैल्यू है। यहाँ पर मान लो यहाँ पे 60 है, ये 0 से 100 तक है, इसका 60 डिवीजन हमें दिख रहा है, मतलब 60 डिवीजन और इसका बीच में मैच किया, कॉन्सेट कर दिया। तो इसका वैल्यू कितना होगा सर्कुलर स्केल का? सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा? 60। इसका यूनिट होगा क्या? मिलीमीटर, और इसका कोई यूनिट नहीं है। टोटल रीडिंग कितना होगा? मेन स्केल रीडिंग कितना है? 1। इसके बाद प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना हुआ? 60। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर। तो कितना हुआ? 1 प्लस कितना हुआ? 0.6, मतलब 1.6 मिलीमीटर इसका रीडिंग होगा। ठीक है, मान लो ऐसा कोई रीडिंग आया, ये 1 है, ये 2 है, तो ठीक है 1 और 2, 2 को देखे एकदम टच कर गया, लेकिन इसका रीडिंग कितना है यहाँ शो कर रहा है? 97 शो कर रहा है। तो अभी तक वैसे पहला मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? मेन स्केल रीडिंग देखो 1 और 2 को क्रॉस नहीं किया, जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक उस रीडिंग को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ क्रॉस कितना हुआ? 1, तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? 1 होगा। इसको क्रॉस कर जाएगा तब इसको लेंगे 2 मेन स्केल, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हुआ? 1 हुआ। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा? 97। टोटल रीडिंग कितना होगा? मेन स्केल रीडिंग 1 है प्लस सर्कुलर रीडिंग कितना है? 97 है। उसके बाद लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर, 0.01, मतलब कितना हुआ? 1.97 मिलीमीटर। अगर ऐसा होता जो 50 वाला डिवीजन है, 50 वाला ये है क्या? 0 है, ये 0.5 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 1, 2। अगर ऐसा होगा, ऐसे है, तो इसका रीडिंग कितना होगा? मान लो यहाँ पे इसके साथ इसका 40 कोइंसाइड कर दिया, तो मेन स्केल रीडिंग कितना लेंगे? ये कितना होगा मेन स्केल रीडिंग? देखो ये 0.5 है, ये 1 है, तो 1 को अभी तक क्रॉस नहीं किया, क्या दिख रहा है? 0.5। तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा?
0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा? 40। टोटल रीडिंग कितना होगा? 0.5 प्लस 40 इंटू लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 मतलब 0.5 प्लस 0.4 मतलब 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, अगर ऐसा इस पॉइंट पे होगा तो कितना होगा? ये वाला पॉइंट पे मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? 1.5। तब मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? 1.5 और सर्कुलर स्केल यहाँ जो भी आएगा, मान लो 30 आया तो 30। टोटल रीडिंग कितना होगा? 1.5 प्लस 30 इंटू 0.01 मतलब 1.80 ऐसे लिखेंगे मिलीमीटर। अगर ऐसा होता तो क्या लिखते हैं? ये 0.5, ये 1 है, ये 1 मिलीमीटर ऐसा है। मतलब अभी तक 0.5 को क्रॉस नहीं किया तो क्या लिखेंगे? 0। मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? 0। ठीक है, अभी तक 0.5 को क्रॉस, ये वाला 0.5 है, 0.5 है तो इसको क्रॉस नहीं किया, तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? 0 होगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे आया जैसे 0.5 वाला है तो इसमें 42 लिख दिया तो 42 हो गया रीडिंग। तो कितना होगा टोटल रीडिंग? 0 प्लस 42 इंटू 0.01 मतलब 0.42 इसका रीडिंग आया, इतना मिलीमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सा होगा? जो इस दाग से और सर्कुलर स्केल का जितना रीडिंग शो करेगा इस दाग के करस्पॉन्डिंग वही होगा क्या सर्कुलर स्केल का रीडिंग। और जिस दाग को, मतलब जिस डिवीजन को क्रॉस करेगा सर्कुलर स्केल, जिसको क्रॉस, उसी को हम लेंगे मेन स्केल। किसको टच किया और क्रॉस करने जा रहा है इसमें कोई मुझे लेना देना नहीं है, किसको क्रॉस किया यही देखना है मुझे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो चलिए दो रीडिंग लेते हैं सॉफ्टवेयर से, उसके बाद हम डायरेक्टली इसका डायमीटर मेज़र करेंगे। जो दिख रहा है तो हम लोग कुछ रीडिंग चेक कर लेते हैं। पहला वाला ये रीडिंग देखो क्या है, पहले इसका स्केल देख लेते हैं। स्केल कौन सा है? 0.5 है, उसके बाद 1 है, मतलब ये 45 वाला, पर 50 डिवीजन का है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कितना है मेन स्केल का? 0.5 है। और पिच कितना है इसका? वो भी 0.5 है। पिच और लिस्ट काउंट सेम है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट, मेन स्केल का लिस्ट काउंट और पिच सेम है। ठीक है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं ये वाला रीडिंग कितना है। देखिए अभी तक 0.5 को नहीं दिख रहा है, मतलब क्रॉस नहीं किया। किसको क्रॉस किया? 0 को। तो इसका रीडिंग कितना होगा? 0। मेन स्केल का रीडिंग 0 है और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना हुआ? देखिए 25 से दो कम, मतलब 23 हो गया। 23 के साथ मेन स्केल का वो जो लाइन है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ? 23 मेन स्केल रीडिंग, 0। और वर्नियर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना हुआ? 23। ठीक है, कोई दिक्कत है? किसी पॉइंट में दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद देखो ये वाला रीडिंग देखो, जैसे ये खुलता जा रहा है। ठीक है, देखो 0 ये आया, कितना 0 रीडिंग एकदम, मतलब मेन स्केल रीडिंग कितना हुआ? 5 हुआ, 0.5। और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना हुआ? 0। अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये कितना होगा? 2 हो गया। और कोई भी रीडिंग ये वाला ले लेना। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 0.5। और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है? 24। कोई दिक्कत है? ये रीडिंग कितना है? देखो मेन स्केल रीडिंग कितना है? 1 है। और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है? 15 है। 15 के साथ क्रॉस किया। ठीक है, तो ये मेन स्केल का रीडिंग 15 हो गया। और कोई एक रीडिंग चेक कर लेना। देखो ये वाला थोड़ा सा इसका स्केल का डिफेक्ट है। यहाँ हम लेंगे
ये अभी तक क्रॉस किया, जीरो जीरो आया तब इसको क्रॉस किया, ठीक है। तो यहाँ तक इसका रीडिंग कितना होगा, अभी तक देखिए 2 2.5 को क्रॉस नहीं किया, अभी तक टच किया हुआ, अभी तक क्रॉस नहीं हुआ, तो मेंस के रीडिंग कितना होगा, 2 होगा, ऊपर वाला है 1 2, और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना होगा, देखिए 46 होगा, तो टोटल रीडिंग कितना होगा 2.46। देखो जब जीरो आता है उसके बाद 1 हुआ, देखो अब अभी क्रॉस किया, ठीक है। तो यह स्टार्ट हुआ क्या 2.5, अभी फिलहाल रीडिंग कितना है, मेन स्केल का 2.5 है और सर्कुलर स्केल का कितना है 1, इसके बाद 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो रीडिंग समझ में आया, देखो यहाँ कुछ रीडिंग देख लेना, देखो यहाँ पे 0.5 को क्रॉस किया, ठीक है, इसलिए 0.5 मिलीमीटर जैसे येलो से लिखा हुआ, और मेन स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 25, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड करेंगे 0.01 से, तो वो आएगा 0.25 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद और एक रीडिंग चेक कर लेते हैं, देखो कितना है 1.5 को क्रॉस किया, 1.5 थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए 1 मिलीमीटर ऊपर वाला है 1 मिलीमीटर, उसके बाद 0.5 मिलीमीटर, उसके बाद 0.2, मतलब 20 हुआ सर्कुलर स्केल का रीडिंग, इसलिए 0.2 मिलीमीटर। तो 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5 प्लस 2 मिलीमीटर मतलब 1.7 मिलीमीटर। ये रीडिंग कितना हुआ, देखो 2 मिलीमीटर का क्रॉस किया इसलिए 2 दिया, और अभी तक 0.5 को क्रॉस नहीं किया, सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है 25, तो 2 प्लस 25। फिर अगर इसको 2.5, देखो 2.5 को क्रॉस किया, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हुआ 2.5, और सर्कुलर स्केल कितना है 10 11 12 इंटू 0.01 मतलब 0.12 मिलीमीटर, ठीक है। रीडिंग समझ में आया, दिक्कत होगा तो ज़रूर कॉल करना, ठीक है। इसके बाद देखो रीडिंग लेने का तरीका क्या है, इसका रीडिंग लेंगे हम, मान लो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर एकदम, तो एक बार क्या करेंगे हम, ऐसे रीडिंग लेंगे, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में ये डायमीटर, ठीक है, ऐसे, फिर इसको घुमाएंगे, अगर इसको घुमाना और वायर को घुमाना है बात एक ही है, इसको घुमाएंगे कितना एंगल में, ये वाला 90 डिग्री एंगल में, तो एक बार ये वाला रीडिंग लेंगे और एक बार ये वाला रीडिंग लेंगे, क्योंकि मान लो ऐसा है कुछ रीडिंग, मतलब ये थोड़ा सा डाउन है यहाँ पे, तो ये वाला रीडिंग कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ये अगर कम होगा या ज़्यादा होगा, अगर एवरेज लेंगे तो क्या होगा, लगभग सही आएगा। तो इसी तरीके से 5-6 रीडिंग लेना है हमें, ठीक है। तो एक बार इस टाइप और एक बार 90 डिग्री घुमा के, मतलब मान लो ऐसा रीडिंग ले रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे रीडिंग ले रहा है, फिर इसको क्या करेंगे, कैप लगा देते हैं तब समझ में आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा ले रहा हूँ रीडिंग, देखिए कैप का ये इधर वाला है, दिख रहा है सही से, फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा लूज़ करेंगे, उसके बाद ये पूरा 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, फिर ये रीडिंग लेंगे, तो ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट, हर पॉइंट पे, मतलब एक ही जगह नहीं, एक जगह सिर्फ 2 पॉइंट 2 रीडिंग होगा, एक जगह मतलब एक पोजीशन में 2 रीडिंग, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर और रीडिंग लेंगे यहाँ 2 रीडिंग, और हमेशा क्या करना है, इसको एक ही तरफ घुमाना है, ऐसे रीडिंग लेंगे, फिर ऐसे रीडिंग लेंगे, मतलब एक ही तरफ घुमाएंगे। और देखिए ज़्यादातर ही ये वाला ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है, जैसे मैंने ये कॉपर वायर ले लिया, कॉपर वायर ये बहुत नरम होता है, अगर ज़्यादा यहाँ प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, अगर कंप्रेस्ड हो जाएगा तो इसका रीडिंग सही नहीं आएगा, ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, तो इसको सिर्फ क्या करेंगे, एक बार आवाज़ निकालेंगे, एक बार, ठीक है, ऐसे यहाँ आवाज़ निकालते घुमाने से टाइट हो जाएगा, एक ही बार आवाज़, ठीक है। चलिए रीडिंग लेते हैं,
ये वाला ही है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल, टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर, ऑब्जर्वेशन टेबल है। देखिए यह है लिखा है फर्स्ट डायमीटर परपेंडिकुलर डायमीटर, इसी तरह यहाँ भी होगा फर्स्ट डायमीटर परपेंडिकुलर डायमीटर। मैंने सेकंड डायमीटर लिख दिया ब्रैकेट में परपेंडिकुलर, लेकिन तुम लोग यही लिखना फर्स्ट डायमीटर परपेंडिकुलर डायमीटर, फर्स्ट डायमीटर परपेंडिकुलर डायमीटर, फर्स्ट डायमीटर परपेंडिकुलर डायमीटर। मतलब देखिए सीरियल नंबर 1 है इसका अंदर दो रीडिंग है, फिर सीरियल नंबर 2 है इसका अंदर दो रीडिंग है, मतलब हर पॉइंट में एक लेना है और उसका परपेंडिकुलर रीडिंग भी लेना है, तब दोनों मिलाकर एक होगा रीडिंग। यहाँ क्या लिखा मेन स्केल रीडिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया MSR, यहाँ पूरा लिखना मेन स्केल रीडिंग। यहाँ देखो इसका यूनिट लिख दिया मैंने मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ भी फुल लिखना सर्कुलर स्केल रीडिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और देखिए इसका कोई यूनिट नहीं है सिर्फ डिवीजन है। उसके बाद डायमीटर, दोनों मिलाकर जो रीडिंग आएगा टोटल कुल मिलाकर वही लिखा डायमीटर। डी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इन टू LC मतलब लिस्ट काउंट, उसके बाद सबको एज सम करके डिवाइड कर देंगे। कितना रीडिंग है 1 2, मतलब टोटल 10 रीडिंग है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा एवरेज आ जाएगा। ठीक है तो चलिए रीडिंग लेते हैं इससे। फर्स्ट देखो वायर को कैसे मैंने लिया, इस साइड लिया ये वाला इंडिकेटर रख दिया, 90 डिग्री करूँगा इसलिए। ठीक है उसके बाद देखो टाइट कर रहा हूँ, आवाज़ सुनाई दिया, सिर्फ आवाज़ एक ही बार लेना है। ठीक है तो ये हो गया टाइट हो गया, इसके बाद हम चेक कर लेंगे ये रीडिंग कितना है। चलिए देखते हैं रीडिंग कितना है, रीडिंग दिख रहा है देखो ये 0.5 को क्रॉस कर गया। ठीक है तो मेन स्केल रीडिंग कितना हुआ 0.5, इसके बाद देखो ठीक है ये क्लियर है, ये 0 पॉइंट है, 0 देखिए 0 वाला, उसके बाद ये 0.5 दिख रहा है, इसको क्रॉस भी हो गया तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 0.5। ठीक है इसके बाद सर्कुलर स्केल देखो ये वाला पॉइंट लगभग ये है। ठीक है मतलब ये 15 है 16 17 18, तो सर्कुलर स्केल कितना हुआ 18, मेन स्केल का हो गया 0.5 और ये हुआ 15 16 17 18। ठीक है रीडिंग क्लियर तो लिख लेते चलो, ये मेन स्केल रीडिंग हो गया 0.5 और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आया 18। इसके बाद देखो इसके बाद फिर इसको ऐसे घुमाएंगे खोलेंगे, थोड़ा खोल कर इसी पॉइंट में रीडिंग लेना है, इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है फिर टाइट करेंगे, दो ही शब्द मैक्सिमम हो गया टाइट हो गया, फिर इसका रीडिंग लेंगे दिख रहा है 0.5 को क्रॉस किया, उसके बाद फिर क्या है 15 16 17 18, ये भी 18 है। ठीक है तो यहाँ फिर भी लिख लेंगे, यहाँ फर्स्ट रीडिंग कहाँ है बहुत बड़ा हो गया, चलो इसको घटा देते हैं 0.5। मेन स्केल का रीडिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है हो गया, इस पॉइंट में रीडिंग लेना हो गया, इसको फिर दूसरा पॉइंट में देखेंगे, इसको खोल देते हैं ऐसे खोल दिया, फिर चलो इस पॉइंट में लेते हैं, फिर जैसा था पहले जैसा ऐसे ही किया। ठीक है फिर टाइट टाइट कर दिया, फिर इसके बाद रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखो इसके बाद रीडिंग थोड़ा चेंज आया, कितना हुआ मेन स्केल का रीडिंग तो 0.5 है, ये लगभग 20 या 19 हो गया, 19 हो गया। ठीक है यहाँ थोड़ा दिखने में मैं सीधे सीधे दिख रहा हूँ तो यहाँ 19 शो कर रहा है। ठीक है तो कितना हुआ मेन स्केल का रीडिंग हुआ 0.5 और ये हो गया 19। चलिए लिख लेते हैं मेन स्केल का रीडिंग 0.5 और इसका हो गया 19। ठीक है चलो फिर दोबारा रीडिंग लेते हैं, इसको फिर खोलते हैं, फिर खोल के इसको घुमा देते हैं ऐसे ऐसे घुमा दिया दो बार। ठीक है फिर ये टाइट हो गया,
सर इसका रीडिंग लेना है। ठीक है, कितना आया इस बार देखो, ये आया कितना, मेन स्केल का रीडिंग 0.5 है और सर्कुलर स्केल का रीडिंग आया हमें यहाँ दिख रहा है 18, फिर 18। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.5, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 18। ठीक है, मैंने और दो चार रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट रीडिंग दिखाएंगे। देखो फिर इसका रीडिंग लेंगे, ऐसे टाइट कर देते हैं, हो गया टाइट हो गया। अब हुआ टाइट, चलो इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं। दिख रहा है यहाँ देखो 0.5 को क्रॉस कर गया, 0.5 को। ठीक है, तो मेंस का रीडिंग कितना होगा, 0.5 होगा। इसके बाद देखना है कौन सा ये मैच किया, देखो यहाँ 15 है, 16 है, 17, 17 वाला मैच किया। ठीक है, हमें यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 17, कैमरा में थोड़ा अलग होगा। ठीक है, ये भी एक एरर है। ठीक है, जब देखेंगे कोई रीडिंग लेंगे तो हम परपेंडिकुलर देखेंगे, एकदम सीधा साइड से नहीं देखेंगे, साइड से देखेंगे तो रीडिंग चेंज होगा। अगर 17 है तो उसको लगेगा 18, या लगेगा 15, ऐसा लगेगा 16, ऐसे लगता है। तो रीडिंग हमेशा लेना है एकदम सीधा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो इसका रीडिंग कितना हुआ, मेन स्केल का 0.5 है और सर्कुलर स्केल का सिर्फ 17। तो यहाँ लिख लेते हैं मेन स्केल का 0.5, इसके बाद 17। फिर इसको क्या करेंगे, था क्या ऐसा था, तो इसको घुमा लेंगे, देखो हो गया। फिर इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं, मेन स्केल कितना आया 0.5 और ये वाला स्केल कितना आया, देखो 15, 16, 17, 18, फिर 18 आ गया। ठीक है, रीडिंग सही है। चलिए 0.518 हो गया, रीडिंग कंप्लीट है। तो कैलकुलेशन देखते हैं, देखो यहाँ पे सभी रीडिंग सेम है, मतलब मेन स्केल सेम ही है 0.5, सिर्फ वर्नियर सर्कुलर स्केल का रीडिंग एक 18 आया, एक 19 और 17, ये तीन रीडिंग है। ठीक है, तो तुम लोग सब सभी के कैलकुलेशन करना, सिर्फ मैं तीन दिखाऊंगा, एक 18 का, एक 19 का, एक 17 का। तो कितना आया देखो, D1 लिखते हैं हम लोग, D1 D2 ऐसे करके D10 तक लिखना। D1 कितना आया, मेन स्केल रीडिंग, D कितना होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, तो मेन स्केल कितना है 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है, पहला वाला है 18 है। ठीक है, तो 18 इनटू लिस्ट काउंट 0.01, दैट्स इक्वल टू 0.5 प्लस 0.18, दैट्स इक्वल टू 0.68 मिलीमीटर हो गया। ऐसे मैंने डी, या D3 है, ठीक है D3 में दिखा रहा हूँ, D3 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 प्लस 19 इनटू 0.01, दैट्स इक्वल टू 0.5 प्लस 0.19 इक्वल टू 0.69 मिलीमीटर। इसी तरह सबको कैलकुलेशन करना है। और देखिए यहाँ D3 हो गया, ये D3, D4, D5, D5 वाला दिखा, चेक कर लेते हैं। D5 इक्वल कितना होगा, 0.5 प्लस 17 इंटू 0.01 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.19 इक्वल टू 17 होगा 0.67। ठीक है, हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं सबको, यहाँ क्या लेंगे 0.68, 0. यहाँ देखिए मिलीमीटर लिखा हुआ, इसलिए यहाँ मिलीमीटर लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ यूनिट लिखना मस्ट है, यहाँ भी यूनिट मिलीमीटर लिखेंगे हम। तो क्या होगा 0.168, 0.69, 0.68, 0.67,
69 होगा, 0.67, 0.68। देखिए अगर ये स्केल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ डिवीजन कितना है बताया था मैंने, 100 डिवीजन है यहाँ पे। अगर ये देख लेना, ये वाला 100 डिवीजन है, अगर इससे रीडिंग लेते हैं तो क्या होगा, ये देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये जीरो हो जाएगा। मेन स्केल का रीडिंग कितना होगा, जीरो हो जाएगा, मेन स्केल का रीडिंग जीरो होगा। और ये वाला कितना होगा, 68, 69 ऐसा आएगा, इसका रीडिंग आएगा 68, 69 ऐसा हो जाएगा, और मेन स्केल जीरो होगा। तो 100 से अगर जिसका डिवीजन 100 है उसे लेंगे तो मेन स्केल का रीडिंग जीरो होगा और ये वाला रीडिंग चेंज होगा, ठीक है। ये वाला हम एक रीडिंग दिखाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। मैं एवरेज यहाँ लिख लेता हूँ और ये कॉप मिल जाएगा आपको, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहीं से कलेक्ट कर लेना। देखो मैंने एवरेज डायमीटर निकाला, देखो एवरेज डायमीटर क्या, सबको ऐड करके लिख लिया, ठीक है, उसके बाद 10 से डिवाइड कर दिया, ये आएगा क्या 0.681। निकालने क्या दिया, टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको डी से डिनोट करते हैं, क्या होगा, पाई डी बाई टू, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर इक्वल टू डी बाई टू होता है, ठीक है, मतलब आर इक्वल टू डी बाई टू रेडियस, तो क्या होगा 3.1415 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0.681 डिवाइड बाई टू द होल स्क्वायर, इसको कितना होगा ये कैलकुलेट करके लिख लेना, ठीक है, ये होगा क्या मिलीमीटर स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। फिर जो रिजल्ट आया इसको यहीं लिख देंगे, ठीक है, द गिवन वायर इज, वहाँ पे जितना आएगा ये लिख लेंगे, ठीक है, रीडिंग समझ गया। ये सारे मैंने दे दूंगा लिंक में, और इसके बाद आएगा एरर, एरर कैसे नोट करते हैं, ठीक है, चलो देखो एरर क्या है, कैसे होगा, मान लो ये एक स्केल है, ठीक है, ये जीरो है, इधर क्या है 1 है 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आ रहा है ना, 6, 7 ये 7 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर भी है कि -1, -2, -3। तो अगर मान लो ये रीडिंग कितना होगा, कितना होगा ये रीडिंग, तो ये 2 से 7 तक, मतलब क्या होगा 7-2। अगर मान लो ये स्केल टूटा हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ और यहीं से मिला हमें, इतना मिला, इधर नहीं मिला, तो यहाँ दिख रहे हैं मुझे 2 है या 7 है, तो किसी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7-2 मतलब 5, ठीक है। अगर ऐसा होता मेरा इससे 7 सेंटीमीटर से, मतलब ये मिलीमीटर मान लो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा है कोई चीज़, तो मैंने यहाँ से मेजर कर लिया, तो यहाँ ए रीडिंग कितना होगा, देखो यहाँ 0 से 7 तक है प्लस इधर 2 तक है, तो 7-2, ठीक है, कितना होगा 7+2 मतलब 9, तो ये हो गया क्या नेगेटिव, ये होगा क्या नेगेटिव एरर, और ये वाला होगा क्या 2, देखिए यहाँ लिख सकते 7-2, ये हो गया पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, ठीक है, तो एक तो नेगेटिव एरर हो गया, एक पॉजिटिव एरर हो गया। तो यहाँ कैसे होगा, ये है मेन स्केल का जीरो है, ठीक है, अगर सर्कुलर स्केल मतलब थोड़ा टाइट करने के बाद भी, ऐसे टाइट कर दिया उसके बाद भी क्या यहाँ तक आया,
एकदम मैं मतलब मिक्स नहीं हुआ। तो यहाँ शो कर रहे हैं, मान लो ये रीडिंग 30 शो कर रहे हैं, 30 है लेकिन यहाँ 0 है। तो अभी इतना जाना था, अभी गया नहीं, तो ये वाला क्या हो गया? पॉजिटिव एरर। अगर ऐसा होता, इसको क्रॉस कर गया, ऐसे आ गया सर्कुलर स्केल, तो यहाँ सर्कुलर रीडिंग आया क्या? 30। तो ये वाला क्या होगा? नेगेटिव एरर। मैं दोनों एरर को दिखाऊंगा, चेक कराऊंगा, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या होगा? जो रीडिंग आया, मान लो यहाँ डायमीटर आया 0.681, अगर पॉजिटिव एरर है 0.681 माइनस एरर, तो पॉजिटिव एरर है तो माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव एरर आएगा तो अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एरर में क्या होता है? माइनस साइन आता है, और पॉजिटिव में क्या होता है? प्लस साइन आता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है अल्टीमेटली। तो पॉजिटिव एरर क्या होगा? माइनस होगा, और नेगेटिव एरर अल्टीमेट क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एरर कैसे है। पहले ये स्केल देखो, ये वाला स्क्रू गेज देखो, ये घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते ये देखो, इसका 0 दिख रहा है ना, मेन स्केल का 0 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेन स्केल का 0 दिख रहा है, उसके बाद ये 0.5 दिख रहा है, देखो। इसके बाद मैं इसको घुमा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना देखो, 0 0 आया, ठीक है। अगर ऐसा होता तो नो एरर है, कोई त्रुटि नहीं है, मतलब एरर नहीं है। तो फिर इसको और देखो, घुमाने से चल जाता है, घूमता है, और कितना घुमा देखो, ये 0 से 90 आया, मतलब कितना आया? रीडिंग तो शो कर रहा है 90, लेकिन होगा क्या एक्चुअली? 10, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ 0 से लेकर 90 तक ये घूम रहा है, मतलब अंदर जा रहा है, 90 या 80 हो गया, फिर 70, फिर 60, ठीक है। तो 60 मतलब 0 से लेकर उल्टा करके, मतलब 0 से 90 10, 90 से 80 10, 80 से 70 10, और यह 60, कितना हुआ रीडिंग? 60। तो देखो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, मतलब नेगेटिव की तरह बढ़ गया, तो ये हो गया क्या? नेगेटिव एरर। तो कैसे लिखेंगे एरर को? देखो मेन स्केल तो हो गया 0, सर्कुलर स्केल कितना आया? 60 आया, लेकिन हम लिखेंगे क्या? 60 है या दूसरा कुछ है? ये लिखेंगे 100 माइनस 60, मतलब 40 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये बताया था हमने, ये 0 से लेकर 90 10 घर गया, फिर 90 से लेकर 80 10, 80 से लेकर 60 10, 30 हो गया और 60। तो क्या होगा एरर? कितना आएगा एरर? इक्वल टू 60 माइनस 100 इंटू लिस्ट काउंट, क्योंकि मेन स्केल 0 है, तो क्या होगा? 0.40, ये नेगेटिव, नेगेटिव आया, मतलब क्या? ये नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर। अगर इस स्केल से रीडिंग हम लेते हैं, और मान लीजिए किसी रीडिंग का आया, मतलब डायमीटर आया 1.5 आया, टोटल रीडिंग कितना होगा? 1.5 माइनस ऑफ 0.4, मतलब क्या होगा? 1.90 होगा क्या इसका रीडिंग मिलीमीटर, मतलब नेगेटिव एरर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद देखना है पॉजिटिव एरर कौन सा है। चलिए देखो, इसी इसको मैंने थोड़ा डिफेक्ट बना दिया, ठीक है। एक यहाँ स्क्रू होता है, ये स्क्रू इधर उधर करने से ये पॉजिटिव नेगेटिव एरर शो कर देता है, ठीक है। देखो ये मैं घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते देखो अभी कहाँ? 20, ये शायद इसका वैल्यू कितना? 25 24 तक अटक गया, फिर और नहीं जा रहा है, मतलब और कितना जाना था? देखो अभी 30 25 है, उसके बाद 20, उसके बाद 10, उसके बाद 0, अभी 0 से मतलब इतना जाना था, अभी तक गया नहीं। इसको ऐसा मान लीजिए खोल देते, इसके बाद घुमा रहा है, तो घुमाने से क्या होता है? देखो 70 80 60 40 30 20 10 0, फिर इधर जाते हैं, फिर इसके बाद क्या होगा? 10 20 0 आया, फिर क्या होगा? यहाँ से 40 आया, 30 आया, 20 आया, तो घर लटने से, मतलब घर एकदम 0 0 से आने से इसको फिर और 20 25 जाना था, लेकिन गया नहीं, जा नहीं पा रहा है, यहाँ पे अटक गया।
तो यहाँ पे अटक गया, जा नहीं पा रहे, मतलब यह हो गया क्या पॉजिटिव एरर। तो इसका मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग जीरो होगा। और पॉजिटिव एरर में यहाँ जितना रीडिंग आएगा वही लिखेंगे, सिर्फ नेगेटिव एरर में क्या होगा 100 से माइनस करेंगे और यहाँ जितना है उतना ही लिखेंगे। देखिए वहाँ पहले रीडिंग था कितना 60 शो कर रहे थे, शो कर रहा था, ठीक है, ये वाला 60 शो कर रहा था, मैंने वो 60 लिख लिया था, लेकिन अल्टीमेट है कितना है, वो 40 है अल्टीमेटली, इसलिए मैंने 40 लिखा, 100 से माइनस कर लिया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 100 से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, एरर कितना लिखेंगे, ये एरर, ये पॉजिटिव एरर होगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव एरर है, पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है, कितना हुआ रीडिंग आया था, कितना हुआ 25 इंटू लिस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल का रीडिंग, मेन स्केल का जीरो था इसलिए जीरो लिख दिया, तो 0.25, क्योंकि लिस्ट काउंट क्या है, ये इसका वैल्यू है 0.01 इतना मिलीमीटर, तो ये हुआ पॉजिटिव एरर। यहाँ साइन नहीं दिया हुआ, मतलब पॉजिटिव है, अगर साइन नहीं देते तो नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव मान लेंगे, तो ये हुआ पॉजिटिव एरर। मान लीजिए ये वाला रीडिंग कितना था, 1.5 था ना, यहाँ लिखा था 1.5, तो इस केस में क्या होगा, रीडिंग 1.5 माइनस माइनस ऑफ पॉजिटिव एरर, मतलब पॉजिटिव 0.25, अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ये 1.25 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो पॉजिटिव एरर होगा तो उसे घटा देंगे और नेगेटिव एरर होगा तो उसको जोड़ देंगे, सीधा जोड़ देंगे। तो समझ में आया पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर कितना क्या है। तो ये क्या है, ये था पॉजिटिव एरर, मतलब अभी इतना जाना था, जीरो जीरो से मैच करने के लिए अभी जाना था, तो ये हो गया पॉजिटिव एरर। और अगर जाकर भी एक्स्ट्रा चला जाता है तो क्या होगा, वो नेगेटिव एरर, ठीक है। चलिए आशा करते हैं सब लोग समझ गए, अगर नहीं समझे तो कॉल करना, ठीक है, व्हाट्सएप करना, थैंक यू।